आज मैं कैनन का ड्राइवर कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको नॉर्मल क्रोम खोलना है और क्रोम खोलने के बाद कैनन इंडिया लिखना है, ठीक है। कैनन इंडिया लिख दीजिए यहाँ पर। मगर ये याद रखिए कि आप आईपी एड्रेस पे अगर क्या बोलते हैं लैन से कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस डाल दिया हो, कनेक्टेड हो गई हो और पिंग करके देखने। कैनन इंडिया के बाद आपको खोलना है, सपोर्ट में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राउज पे जाना है, ये जो एरो है इसको क्लिक करना, ठीक है। ब्राउज पे जाके आपको इस एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। जब ब्राउज पे जाएंगे तो आपको इस ऑप्शन पे जाना, बिजनेस मल्टी फंक्शन डिवाइस पे। इसके बाद आपको इस एरो पे जाना है और अपना इमेज रनर, ठीक है, इमेज रनर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे भी इमेज रनर ही रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट मशीन है तो, अदरवाइज आप कलर कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका नीचे करेंगे पेजेस तो आपके मॉडल यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी आपको चाहिए। कलर है तो फिर कलर ही सिलेक्ट करेंगे तभी दिखेगा, ठीक है। अभी मेरा मॉडल है 2000 ये वाला, ठीक है, 2006 N, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट इसमें सारे जितने बिट का आपका कंप्यूटर होगा वो आ जाएगा, ठीक है, 32 बिट या 64 बिट। तो अभी मैं, ये है मेरा प्रिंटर का ड्राइवर, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके अभी डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। चाहे आप USB के लिए यूज करें यह ड्राइवर, चाहे LAN के थ्रू, बट आपकी मशीन ऑन होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। डाउनलोड तो हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी ये नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड है कितनी देरी में होगा, तो मेरा भी कुछ है लगेगा जो भी समय, मशीन कनेक्ट करके ही इंस्टॉलेशन चालू करें। डाउनलोड तो कर सकते हैं ड्राइवर को, मगर जो इंस्टॉलेशन करें तो मशीन ऑन होनी चाहिए, USB से करें या फिर आप LAN के थ्रू करें, ठीक है। पिंग कैसे करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, मशीन को कैसे पिंग करते हैं वो चेक कर लीजिएगा, और वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा तो चेक कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद ये ओपन कर लेना है, ठीक है। जब ओपन करेंगे तो ये आएगा, इस पर यस कर देना है तो जो फाइल है वो अनजिप हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अनजिप होने के बाद अब आपको सीधा माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे, ठीक है, इस कंप्यूटर या माई कंप्यूटर में जाके देखेंगे। ये देखिए, माई कंप्यूटर पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड में, ठीक है। डाउनलोड में जाएंगे तो ये फाइल बनके एक आ गई है। फिलहाल यहाँ पे कैनन वगैरह का नाम नहीं रहता, जब फर्स्ट फाइल बनती है अनजिप होके तो ये नाम रहता, बाद में आप इसको रीनेम कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब इसको खोलने के बाद आपको ये वाला ही सेटअप चलाना है, एप्लीकेशन सेटअप, देखिए लिखा ना सामने एप्लीकेशन यहाँ पे, और यहाँ सेटअप CD बनी है, इसी को ही चलाना है ना कि नीचे वाले को। तो इसको ओपन कर देंगे या रन कराएंगे, फिर ये पूछेगा यस नो तो यस कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप वेट करिए, ठीक है। यहाँ आप बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, बट यहाँ इंग्लिश कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कई बार चाइनीज वगैरह भी उठा लेता है, तो इंग्लिश करके नेक्स्ट कर देंगे हम। फिर आगे नेक्स्ट, यहाँ स्टैंडर्ड साइज ही रहने देंगे, कुछ चेंजेस नहीं। USB पे है तो USB और नहीं तो ऐसे ही, यहाँ टिक करेंगे तब भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी उठा लेगा। फायरवॉल की सेटिंग को आप ये जो मांग रहा है इसको यस करेंगे, ठीक है, तभी आपके प्रिंटर को यह सर्च करेगा, नो करेंगे नहीं चलेगा। अभी आपके प्रिंटर को सर्च कर रहा है, आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए इस समय, केबल लगी हुई होनी चाहिए, LAN के थ्रू है तो LAN की केबल, USB के थ्रू है तो USB की केबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ सर्च होके आपका प्रिंटर दिखाएगा, IP एड्रेस भी दिखा दिया, कौन सा मॉडल है वो दिखा दिया, उस पर टिक कर देना है और सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। IP एड्रेस, MAC एड्रेस सब आ गया। अब आप इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, फिर से ये आएगा, फिर से इसको सिलेक्ट कर देना है, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपका इंस्टॉलेशन चालू हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ वीडियो को, ताकि ये हो जाए, वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको सीधा इसको हो जाने के बाद ही स्क्रीन दिखाऊंगा।
क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पे देखिए, या अदरवाइज आप कमेंट करें, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको थोड़ा सा चलने, हाँ देखिए ये मैं अब आपको ले आऊँ सीधा। इंस्टॉलेशन के बाद ही आप रिस्टार्ट करेंगे तो तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तो एग्जिट कर दीजिए, नहीं टिक करके कर दीजिए तो रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। जो मॉडल चाहिए आप इसी तरह वहां जाके सर्च करेंगे तो मॉडल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप इस ड्राइवर का नाम जरूर चेंज कर लें, नहीं आप भूल जाएंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप नाम चेंज कर लें, ठीक है। अब हम जाके जरा प्रिंट चेक कर लेते हैं कि ड्राइवर इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे आ गया हूँ, ड्राइवर एंड प्रिंट डिवाइस एंड प्रिंटर में, या कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं, आपको जहां से इजी लगे आप वहां से चले जाइए। मैं डायरेक्ट डिवाइस एंड प्रिंटर में चला गया हूँ। अब यहाँ प्रिंटर शो करेगा हमारा, ठीक है। ये रहा मेरा प्रिंटर, तो ये जो मेरा प्रिंटर है देखिए, ये है ना, इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। टिक लग गया। अब मैं इसका पेपर साइज वगैरह सेट कर देता हूँ। देखिए आउटपुट और इनपुट पेपर जो ये है, यहाँ भी A4 रहता, बट मैंने दिखाने के लिए इनको B4 कर दिया हूँ, आप A4 ही रखिए, ठीक है। मैंने एक सेटिंग की है, वो इनको दिखाना है कस्टमर को, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में A4 कर दीजिए, डुप्लेक्स नहीं करना है। डुप्लेक्स जब प्रिंट करेंगे तभी करिए, अप्लाई और ओके कर दीजिए। डुप्लेक्स जब आपकी जरूरत हो तब आप प्रिंट जब देते हैं उसी समय आप डुप्लेक्स कर देंगे तो डुप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक टेक्स्ट पेज देखे चेक कर लेता हूँ प्रिंट हमारा आया कि नहीं आया। तो मैं प्रिंटर प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है, तो टेस्ट पेज कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने टेस्ट पेज का कमांड दे दिया, ठीक है। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ, प्रिंट मेरा जा चुका है, ठीक है। इस तरह आपका ये प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, ठीक है। आप इसी तरह कोई भी मॉडल सर्च करके आप प्रिंटर इंस्टॉल करें। ओके, बाय, थैंक यू।